हेलो फ्रेंड्स, किरण द नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने इसका नेक डिक्रीज किया था और शोल्डर डिक्रीज किए थे। इस वीडियो में मैं आपको इसके फंदे उठाना और इसका नेक बुनना और राउंड नेक कॉलर वाला बना रहे हैं इसमें हम, वो बुनना मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आप इसका पिछला वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको इसकी ये नेक्स्ट वीडियो का जो हम गला बनाने जा रहे हैं उसकी समझ आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे वाला गला इसमें बनाने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो नेक जेंट्स लोग पहनते हैं और राउंड नेक कॉलर वाला, वो मैं इसमें बनाने जा रही हूँ। देखिए ऐसे वाला होता है वो, मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखिए ये इसका डबल बॉर्डर बनेगा, डबल बॉर्डर बनेगा। और आप इसमें जिप लगा सकते हैं, चाहे इसमें बटन होल बना सकते हैं, कैसे भी आप इसको बना सकते हैं। और ये जो नेक होता है ये बिल्कुल आपके जो गले के साथ लगा रहता है, ऊपर तक बनता है ये। देखिए कितना बॉर्डर है इसमें, और ये डबल होता है। तो मैं यही वाला आपको इसमें नेक बनाने वाली हूँ जो जेंट्स लोग पहनते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ 10 नंबर की सिलाइयाँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ा इसका फंदों का डिवाइडेशन देख लेते हैं कि हम राउंड नेक में इसमें कितने फंदे उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वाली साइड जो है इसकी, बैक साइड में मैं 30 फंदे उठाने वाली हूँ। और जो हमारी ये वाले पोर्शन है फ्रंट वाला, इसके पट्टी समेत, पट्टी के भी पहले फंदे पड़े हैं इसके, पट्टी समेत इसमें मैं 35 फंदे उठाने वाली हूँ, और उधर भी 35 फंदे। तो कुल मिला के 100 से 110 तक के इसमें स्टिचेस हम उठा सकते हैं। तो थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, और जब हम उठा लेंगे फिर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगी कि मैंने कितने इसमें स्टिचेस सारे में उठाए हैं और इसकी मेजरमेंट जो हमने डिवाइड है वो कैसे किया है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 100 से लेके 110 तक के इसमें स्टिचेस हम उठाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी पट्टी के जो फंदे हैं ये इसमें नीडल में डाल लेती हूँ मैं, आपको फंदों को फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी के जो फंदे हैं ये मैंने इसमें डाल लिए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम राउंड नेक कॉलर वाला बनाते हैं तो हम इसके पट्टी के फंदे डिक्रीज नहीं करते, उनको हम रख लेते हैं, क्योंकि ये एक जैसा तब भी दिखेगा जबकि जब हम पट्टी के फंदे डिक्रीज नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे से हम इसके फंदे उठाते हैं। ये पट्टी के इसके 12 फंदे हैं, तो बाकी मैं इसके उठाना शुरू करती हूँ यहाँ से। देखिए ऐसे इसकी ये लगा लेंगे वूल यहाँ पे, और फंदे उठाते जाएंगे। देखिए ये वूल बाद में हम इसकी सिल देंगे, इस टाइम हम इसको ऐसे राउंड कर लेते हैं एक दो बार। चाहे आप इसमें गांठ भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे इसको, मेन काम इसका फंदे ही उठाना है। आप ध्यान से इसके उठाइए फंदे। देखिए ऐसे किनारे किनारे पे आप इसके फंदे जो है उठाते जाएंगे। देखिए ऐसे, ये मैं फ्रंट साइड के जो है स्टिचेस उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके फ्रंट साइड के स्टिचेस उठा लिए हैं। मैंने पट्टी से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 38 स्टिचेस उठाए हैं इसके, 38 स्टिचेस फ्रंट साइड के। और फ्रेंड्स, ये हमने राइट साइड से शुरू किया है। देखिए इसके जो स्टिचेस उठाने शुरू किए हैं हमने राइट साइड से स्टार्ट किए हैं, ऐसे ही आप इसके स्टार्ट करोगे। तो अब मैं बैक साइड के स्टिचेस उठाती हूँ। देखिए अब हम इसके बैक साइड के स्टिचेस उठाएंगे। देखिए ऐसे किनारे किनारे पे, ये मैंने स्टिचेस उठाने का पहले भी वीडियो डाल रखा है, बताया हुआ सारा। तो वैसे ज़्यादा कोई टफ काम नहीं होता है, पर आपको सिर्फ डिवाइडेशन अच्छी तरह से करनी है कि हम कैसे इसको करेंगे। देखिए बैक साइड के मैं कोशिश करूंगी, मैं 30 स्टिचेस उठाऊं इसके किनारे किनारे पे, आप इसके स्टिचेस उठाते जाएंगे। देखिए ऐसे
ऐसे आप इसके स्टिचेस उठाते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, इसकी बैक साइड के जो है मैंने 30 स्टिचेस उठा लिए हैं। अब इसकी फ्रंट साइड के बचे हैं, ये मैं 38 स्टिचेस उठाऊंगी, जैसे हम मैंने उधर वाली साइड उठाए हैं फ्रंट वाली साइड पे। और विद पट्टी, पट्टी के भी हमारे पास 12 स्टिचेस हैं, विद पट्टी हम उठाएंगे 38 स्टिचेस इसके। तो मैं ये उठाना शुरू करती हूँ जैसे हमने पहले उठाया। देखिए इसकी गोलाई बहुत बढ़िया है, तो आप ऐसे ऐसे किनारे पे उठाते जाएंगे तो ये बढ़िया आ जाएंगे। तो वैसे ही आप इसके यहाँ से देखिए स्टिचेस उठाने शुरू कर दीजिए, इसके साथ ही नेक्स्ट में किनारे किनारे आप इसके स्टिचेस उठाते जाइए। देखिए ऐसे इसके किनारे किनारे सिलाई डाल लेंगे और स्टिचेस इसके पिक करते जाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे डालेंगे और ऐसे इसको घुमा के ऐसे स्टिच इसके उठाते जाएंगे। और इसके ये मैं पूरे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ से कंधे से लेके यहाँ तक फ्रंट साइड के ये 28 स्टिचेस उठा लिए हैं, और ये 12 स्टिचेस मेरे पास ये पट्टी के हैं। अब इसको मैं खोल के, देखिए इसको खोलेंगे और इस वाली सिलाई पे देखिए चढ़ा लेंगे। ये मैं चढ़ा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी वाले जो स्टिचेस हैं ये मैंने इसमें नीडल पे चढ़ा लिए हैं। अब इनको बुनते हुए हम उधर को जाएंगे। देखिए इनको बुनते हुए, दो उल्टे हैं ये, देखिए ऐसे इनको बुनते हुए दूसरी साइड तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो स्टिचेस हैं ये पूरे हो चुके हैं। अभी मैं ये करने के बाद आपको ग्राफ में भी दिखाऊंगी कैसे कैसे स्टिचेस उठाए हमने। पहले हम इसको उधर को ले जाएं, ये रो जो है फंदे उठाने वाली, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये इसमें दो उल्टे और दो सीधे का बॉर्डर है। इसमें एक बात और भी है जो ध्यान रखने वाली है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये पहले हम पट्टी कंप्लीट करते हुए दूसरी साइड पहुंच लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने इसकी फंदे उठाने वाली कंप्लीट कर ली है। देखिए ये हम देखिए इधर वाली साइड पहुंच गए हैं, पूरी राइट साइड का ये कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस ग्राफ में हम समझते हैं इसको। ये इसकी है राइट साइड जो है गोलाई, यहाँ तक इसमें मैंने 38 स्टिचेस उठाए हैं। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ तक इसमें 30 स्टिचेस उठाए हैं। और ये इसकी लेफ्ट साइड है जो आगे का पेज है, इसमें मैंने 38 स्टिचेस उठाए हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास इधर एक साइड पे हों स्टिचेस, वैसे ही स्टिचेस हमारे इधर वाली साइड होने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 से लेके 110 तक का कोई भी फिगर आ सकता है। तो देखिए ये अगर हम इसका टोटल करें 38 30 38, तो टोटल बनता है 106 स्टिचेस उठाए हैं। कुछ हमारे पास पहले भी पट्टी के थे, सारे राउंड में हमारे पास अब पट्टी भी मिला के सब कुछ मिला के सारे राउंड में 106 स्टिचेस हैं हमारे पास। अब हम इसका नेक बुनना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रो नंबर 1 बुनेंगे हम, ये इसकी रॉन्ग साइड है। इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब आप इसकी रॉन्ग साइड वाली ये रो बुनना शुरू करोगे, तो आप जैसे दो उल्टे और दो सीधे का बॉर्डर है आपके पास यहाँ पट्टी पे, तो आप यही वाला बॉर्डर सारे जगह चलाते हुए इधर को आओगे, दो सीधे और दो उल्टे का। और आपको यहाँ पे ज़रा ध्यान देना है लास्ट में आके, जैसे आपके पास यहाँ दो सीधे हैं ये वाले, देखिए देखिए ये जैसे दो सीधे हैं यहाँ बॉर्डर पट्टी के आपके, तो यहाँ पे आपके पास ये दो फंदे उल्टे होने चाहिए। दो फंदे आपके पास उल्टे होने चाहिए। चाहे तो आप पहले ही इसको सारे फंदे काउंट करके इसका देख लीजिएगा, नहीं तो अगर बीच में अगर आपको लगे जब आप यहाँ पे आओ
तो आपको कुछ एक आध फंदा या दो फंदे अगर घटाने पड़ जाएं तो आपको ये फंदे घटा लेने हैं, एक आध पीछे से घटा लें, एक आध आगे से घटा लें, तो इसमें कोई फर्क नहीं आता है, एक आध फंदे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपका यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये एक जैसा आना चाहिए। देखिए दो सीधे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो उल्टे ही आने चाहिए। तो मैं इस जरा सिलाई डालती हूँ, फिर देखते हैं, नहीं आएंगे तो हम इसमें से फंदे कुछ एक आध दो फंदे घटा लेंगे। देखिए अब यहाँ मेरे पास दो उल्टे हैं, स्टार्ट करेंगे ऐसे। आपके पास अगर एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर है पट्टी पे तो आप वही बनाइए, ऊपर भी एक सीधा और एक उल्टा। मेरे पास पट्टी में दो उल्टे और दो सीधे का बॉर्डर है, तो मैं इसकी नेक जो है दो सीधे और दो उल्टे के बॉर्डर में करूँगी। तो ये मैं रो पूरी कर लेती हूँ, लास्ट तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं रो नंबर 1 के लास्ट में हूँ। ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ दो उल्टे हैं और दो सीधे हैं, और इधर भी दो सीधे हैं देखिए, और यहाँ पे दो उल्टे आने चाहिए। तो मेरे देखिए जितने मैंने ये फंदे उठाए हैं उसी हिसाब से ये मेरे सही आ गए हैं। देखिए यहाँ पे दो सीधे हो जाएंगे और यहाँ पे ये वाले दो उल्टे आ जाएंगे और नेक्स्ट पे ये मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे करेंगे इसको हम। अब डालूंगी मैं दो उल्टे। हमें यहाँ पे जब हम पट्टी रखते हैं तो उसके साथ हमें बॉर्डर मिलाना पड़ता है। देखिए दो उल्टे आ जाएंगे और नेक्स्ट में ये देखिए दो सीधे, ये यहाँ पे लास्ट में हमें एक जैसा आपस में मिलाना होगा। देखिए ये देखिए बिल्कुल सही आ गया यहाँ पे। अब ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट कर ली, रॉन्ग साइड में थे हम। अब हम रो नंबर 2 है, रो राइट साइड में आएंगे। तो ऐसे ही आप राउंड में ये इसकी बुनते जाइए, थोड़ी सी रो बुन ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी हमें कितनी रोज डालनी है। ये डबल बॉर्डर बनना है, इसमें काफ़ी सारी रो डलेंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप अब थोड़ी सी रो बुन लीजिए, मैं भी इसमें थोड़ा सा बॉर्डर बुन लेती हूँ। ऐसे मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने इसमें टोटल रोज कितनी डाली है, बीच में भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। तो चलिए इसको हम बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो बॉर्डर है राउंड नेक कॉलर का मैंने कंप्लीट कर लिया बुन के। अब इसको हम माप के देखते हैं कि ये कितना बना है। देखिए ये लगभग 13 सेंटीमीटर मैंने ये बनाया है। अब इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये एक मैं सिलाई चढ़ा रही हूँ, रो डाल रही हूँ, इसको मैं डाल लेती हूँ, फिर इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे और उसके बाद सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है और मैं अब इसको बाइंड ऑफ करने वाली हूँ। मेरे पास आया ये रॉन्ग साइड, देखिए ये रॉन्ग साइड है, आप किसी भी तरफ से इसको बाइंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए अब बाइंड ऑफ करने का तरीका, ये मेरे पास उल्टे फंदे हैं स्टार्टिंग में, तो मैं इसको ऐसे बुनूंगी। देखिए बाइंड ऑफ करने का तरीका वही रहेगा हर बार, एक फंदा बुनेंगे और ये वाला फंदा ऊपर से निकाल देंगे। देखिए ऐसे। अब आगे हमारे पास सीधे फंदे हैं तो इसको सीधे बुनेंगे। देखिए धागा उधर करेंगे, सीधा बुनेंगे और ऊपर से निकाल देंगे। देखिए ऐसे, फिर से सीधा फंदा है, सीधा इसको बुनेंगे और ऊपर से ये वाला फंदा निकाल देंगे, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट। फिर आगे हमारे पास उल्टे फंदे हैं दो, तो इनको उल्टा बुनेंगे और इसके ऊपर से ये फंदा निकाल देंगे। देखिए फिर से उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बुनेंगे और इसके ऊपर से ये फंदा निकाल देंगे। उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे और सीधे फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए फिर सीधा फंदा है, सीधा बुन के ये धागा ये जो फंदा है ऊपर से इसको निकाल देंगे। देखिए ऐसे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। देखिए ऐसे सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे।
ये सारा जो है ये फंदे हैं इसको आप ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लीजिएगा। अब मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉलर बन के तैयार है। इसको मैंने पूरा बाइंड ऑफ कर दिया है सारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब हम इस कॉलर को सिलेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि ये डबल बनना है, तो इसको ऐसे करके, ये रॉन्ग साइड है इसकी, देखिए ये रॉन्ग साइड है, इसको हम ऐसे करके सुई के साथ, सुई और धागे के साथ ऐसे इसको सिलेंगे। देखिए बहुत सुंदर इसकी शेप आएगी पूरे कॉलर की। देखिए ऐसे इसको सिलेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे सिलना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका रॉन्ग साइड है, ऐसे मैंने इसको स्टार्ट किया है सिलना। देखिए इसको ऐसे डबल कर लेंगे और बिल्कुल यहाँ से आपने फंदे उठाए हैं उसके ऊपर इसको लाएंगे। देखिए ऐसे इसको हमें ढकना है, इसको दिखाई नहीं देना चाहिए, तो ऐसे हमें इसको सिलना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसकी जिप अटैच करनी है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोड़ लूँगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे मेरे को यहाँ पे ये इसके अंदर यहाँ जिप अटैच करनी है, कॉलर के अंदर यहाँ मेरे को जिप अटैच करनी है यहाँ पे। इसलिए मैं ये वाला यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के इसको स्टार्ट करूँगी। अगर आपको इसमें बटन लगाने हैं तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं सिलना। देखिए यहाँ से मैं इसको, ये बटन पट्टी छोड़ के यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करूँगी। सिलने का तरीका आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये जैसे आपके ये सीधे फंदे हैं, देखिए ये सीधे फंदे आ रहे हैं इधर, और यहाँ से आपको ऐसे अटैच करना है इसको। देखिए सीधे फंदों के साथ सीधे फंदे, देखिए ये आपको यहाँ से देखते रहना है। ये देखिए इसके ये सीधे फंदे, नेक्स्ट वाले के सीधे फंदे ये, और यहाँ पे ये सीधे फंदे, ऐसे आपको इसको अटैच करना है अच्छी तरह से। इधर उधर अटैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे इसको हम सिलना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पट्टी इसलिए छोड़ी है, मेरे को यहाँ पे जिप अटैच करना है, इसमें दोनों में मिला के आपस में जिप अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैसे करना है, ये आपने इसको अटैच कर लिया है, स्टार्ट कर लिया है सिलना। ये आपको सीधा सीधे इधर वाले साइड से ये पोर्शन देखते जाना है। देखिए ये सीधे के साथ यहाँ पे सीधा मिलाएंगे, ये देखिए सीधे के साथ सीधा ऐसे मिला के आपस में इसको सिलना है, नहीं तो ये सारा गलत हो जाएगा, इसके सारे जो इधर उधर हो जाएगा, फिर इसमें रिंकल्स आएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए इसको आप ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके इसको सिलते रहेंगे, पर नीचे से आप रॉन्ग साइड से इसके देखिए ये मिलाते रहेंगे आपस में, इसके जो सीधे वाले फंदे हैं इसको आपस में ऐसे मिला मिला के देख देख के इसको सिलेंगे, ताकि ये गलत ना हो जाए। और ये इसकी जो यहाँ से आपने फंदे उठाए हैं इसको आपको पूरी तरह से ढकना है, दिखना नहीं चाहिए ये, रॉन्ग साइड से भी ये बहुत सुंदर लगेगा। देखिए ऐसे दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और यहाँ से ये सीधे फंदे, इधर से नहीं, अंदर से, देखिए अंदर वाले ये सीधे फंदे मिलाते हुए आप इसको सिलेंगे, तभी ये आपका सही आएगा। देखिए इसको मिलाते हुए आप सारा यहाँ तक इसको गोलाई में आपस में इसको मिलाते हुए यहाँ तक आप इसको सिल लेंगे। यहाँ तक आगे मैंने फिर इसमें जिप अटैच करनी है, तो मैं यहाँ तक इसकी पट्टी तक यहाँ तक सिल लूँगी, और फिर बाद में इसमें जिप अटैच करूँगी। और जिप अटैच करने का वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि जिप कैसे अटैच करते हैं। जिप अटैच करना भी बहुत मुश्किल सा काम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये आप एक बार गला अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार फिर से ये सीधे फंदे इसके साथ, ये सीधे फंदे इसके साथ, आगे वाले सीधे फंदे इसके साथ, ऐसे आपको ये अच्छी तरह से आपस में अटैच करना है।
नहीं तो फ्रेंड्स इसमें रिंकल्स आएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। गला सीधा नहीं बैठेगा अगर आप इसको मिलाएंगे नहीं तो। देखिए आप अपने हिसाब से सिल कैसे भी सकते हैं जैसे आप सिलते हो, पर इसमें रिंकल्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। देखिए मैंने इतना सा सिला, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया गला आया है। और मैं आपको सीधी तरफ से भी दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी राइट साइड देखिए बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आएंगे। ये मैं पूरा सिल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये जो इसका नेक है यहाँ से ये पूरा सिलते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ से सिलते हुए ये पूरा मैंने राउंड में कंप्लीट कर लिया है। इसको डबल करके आपको सिलना है और देखिए बहुत ही सफाई से आपको इसको सिलना है। देखिए आपकी जो नीचे वाले फंदे उठाए हुए वो दिखने नहीं चाहिए। देखिए ये रॉन्ग साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ सिला हुआ सारा, ये थोड़ा सा मैंने छोड़ा है यहाँ से, इसमें मैंने जिप अटैच करनी है और इधर से भी मैंने थोड़ा सा छोड़ा है, यहाँ जिप अटैच होगी। तो ये आपका गला बनके फ्रेंड्स तैयार है। अगर आपको यहाँ पे बटन होल, बटन पट्टी में बटन होल बना रखा है तो यहाँ पे आप बटन लगा सकते हो, इसको पूरा यहाँ से सिल सकते हो। जिप लगाने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक ये मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से थोड़ा सा इसको मैंने छोड़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए गला बहुत सुंदर बन के तैयार है, फ्लेक्सिबल ये बनता है नेक। मैं अभी आपको सीधी तरह से भी दिखाती हूँ। देखिए ये इसकी राइट साइड है, ये आपका राउंड नेक कॉलर बन के तैयार है। ये गर्दन के साथ बिल्कुल सटा हुआ रहता है और आपकी नेक को भी गर्म रखता है। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम इसकी जिप लगाना सीखेंगे। जिप लगाने का भी बहुत ही अलग से तरीका होता है, जिप ढीली रह जाती है, अच्छी नहीं लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी इसका जिप लगाने का। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।